नमस्कार मित्रों, भारत की इस पवित्र धरा पर अनगिनत वीरों ने जन्म लिया है। मां भारती की सेवा करते हुए उन्होंने अनेकों बलिदान दिए हैं, अपना सर्वस्व तक न्योछावर किया है। उनमें से कुछ के नाम तो हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, पर अधिकांश ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि गुजरात के शत्रुंजय क्षेत्र के वीरों की गाथा, जिन्होंने आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए पालीताना मंदिरों की रक्षा की थी। इन वीरों के बारे में कोई नहीं जानता था, शायद गुजरात के ही अधिकांश लोगों को इनके बारे में ना पता हो, तो पूरे भारत के लोगों को कहां से पता होगा। पर पिछले महीने आई कासुम्बो नाम की फिल्म ने स्थिति परिवर्तित कर दी, इन महान वीरों की गाथा को जन जन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिल्म केवल गुजराती भाषा में थी तो इसका क्षेत्र थोड़ा सीमित रह गया, पर फिर भी एक बड़ा प्रभाव छोड़ने में यह फिल्म सफल रही। लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उसका समर्थन भी किया। तभी 2024 की गुजराती भाषा की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ये प्रथम स्थान पर आ गई है। मित्रों, आप लोग थोड़ा सोचिए कि जिस भी बच्चे ने ये कासुम्बो फिल्म देखी होगी उस पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना से भर गया होगा। अब आगे जीवन में कभी भी मातृभूमि की रक्षा की बात आएगी, धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आएगी, तो वो जरा भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि आगे रहते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। इसीलिए हमें कासुम्बो जैसी फिल्मों की बहुत आवश्यकता है। केवल एक कासुम्बो से काम नहीं चलने वाला, ऐसी फिल्में लगातार बनती रहनी चाहिए। भारत में वीर गाथाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अच्छे से प्रस्तुत करने वाले लोगों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रवादी निर्माताओं के समर्थन की परम आवश्यकता है। जैसे आप सभी ने कासुम्बो का समर्थन किया, वैसे ही आगे भी जब भी ऐसी फिल्में आए आप सशक्त रूप से उनके साथ खड़े हो जाइएगा, ताकि उनके निर्माताओं को साहस मिले, धनबल मिले, मनोबल मिले ऐसी फिल्में लगातार निर्मित करने का। मित्र, आप क्या सोचते हो, कासुम्बो जैसी फिल्में और भी आनी चाहिए या फिर सिर्फ कासुम्बो से ही आप संतुष्ट हो? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।